बड़ी खबर, अनुराग कश्यप के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अब वर्सोवा पहुंची है पायल घोष। मुंबई के वर्सोवा थाने की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां से थोड़ी देर पहले पायल घोष पुलिस स्टेशन पहुंची है अनुराग कश्यप के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए। अनुराग कश्यप के खिलाफ FIR इससे पहले कल वो दर्ज नहीं करा पाई थी, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले पायल घोष वर्सोवा थाने पहुंची है। यौन शोषण के आरोप अनुराग कश्यप पर पायल घोष ने लगाए हैं और अब वर्सोवा थाने पायल घोष अनुराग कश्यप के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए पहुंच चुकी हैं। पायल ने अनुराग के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए हैं और कई बातें वो खुलकर इस पूरे मामले पर मीडिया से भी मुखातिब होते हुए कह चुकी हैं, लेकिन अब पुलिस के सामने वो अपना बयान दर्ज कराना चाहती हैं और FIR दर्ज कराने पहुंची हैं वर्सोवा थाने में पायल घोष। आपको बता दें, इससे पहले कल भी थाने पहुंची थी, लेकिन महिला कर्मी के ना होने की वजह से वो FIR दर्ज नहीं करा पाई थी, लेकिन अब वर्सोवा थाने की तस्वीर आपके सामने, वर्सोवा पुलिस स्टेशन, जहां पायल घोष अब से थोड़ी देर पहले पहुंची। वर्सोवा थाने की तस्वीर आपके सामने, पायल ने अनुराग के खिलाफ यहां पर FIR दर्ज कराने के लिए वह यहां पर पहुंची हैं और यौन शोषण के आरोप अनुराग कश्यप पर पायल घोष ने लगाए हैं। हालांकि देखना यह है कि अब आगे इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाती है, क्योंकि अपने ऊपर लगे आरोपों का अनुराग कश्यप पहले भी जवाब दे चुके हैं और उनका यह साफ तौर पर कहना है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। जिस तरीके से वो हर मामले पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, उन्हें चुप कराने के लिए एक नया तरीका अपनाया गया है और यही वजह है कि इतने साल बाद एक लड़की पायल घोष मेरे ऊपर ये आरोप लगा रही है। लेकिन अब यौन शोषण के आरोप के सिलसिले में ही वर्सोवा थाने में पुलिस के सामने पायल घोष पहुंची हैं और अनुराग कश्यप के खिलाफ वो FIR दर्ज कर रही है।